सैयद मुश्ताक साहब, ज़हूर साहब और मुश्ताक साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मौत एक हकीकत है और इससे इनकारी नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ अफवाह ऐसी होती हैं जो एक खलीज पैदा कर जाती हैं और उस खलीज को पूर करने के लिए कई सदियाँ गुजर जाती हैं। हमारे बीच जो है चौधरी लाल सैन साहब, मेरा तो उनके साथ ज़ाती रिलेशन इसलिए भी था कि जब सियासी तौर पर मैंने एलएलबी करने के बाद जब सियासी करियर आपने शुरू किया तो जन मोर्चा में मैं उनके साथ मुफ्ती साहब के साथ हम लोगों ने जो है वो जन मोर्चा ज्वाइन किया, उसके बाद जनता दल और उसके बाद जो है वो पीडीपी में रहे। उस हिसाब से उनके साथ जितना भी मेरा रिलेशन था, जितना क्लोज मैं उनके रहा और जो मैंने ज़िंदगी में उनसे सीखा है या जो जितना मैंने उनको देखा है, मुझे यही लगा है कि ये एक बहुत बड़ी खला जो है वकीलों के बीच में और उनके जाने से हमारे बीच में आ गई है। एक मैं अपना ज़ाती जो है वो तजर्बा बताता हूँ कि मेरे किसी साथी ने कोई गलत दस्तावेज जो है वो अटेस्ट करवा ली, आदमी नहीं था, कहीं बाहर था, तो मैंने देखा कि अटेस्टेशन जो है चौधरी लाल सैन साहब की है, तो बतौर प्रेसिडेंट जो है वो दरख्वास्त मेरे पास मार्क हो करके आई हुई थी, मैं उनके पास ज़ाती तौर पर गया तो मैंने कहा ये क्या किया, ये तो कह रहे हैं फ्री कि ये दोनों नहीं है, तो आपने, उन्होंने कहा यार छोड़ इस बात को, ये देख ले कि जिसके के लिए मैंने किया है वो पैसे चार ले करके गया है, शाम को उसका घर जो है वो उसका चूल्हा जो है वो जल गया, ये सोच थी उनकी। ये बड़ी बात है कि किसी के बारे में अपना दाव आप अपने जो है कैरियर है वो दाव पर लगा देना। इसी तरीके से जितने ये पटिशन राइटर हमारे साहिबान वहाँ बैठते हैं उनमें से किसी को ये गिला नहीं आएगा कि शाम को वो खाली हाथ जो है कोर्ट के हाथा से जाएंगे। इस खला को कोई पूरा नहीं कर सकता। मेरे बहुत सारे साथी जो नए आए हैं